सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। क्लियर? देखो, इससे पहले हम अपने दो लेक्चर कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। फर्स्ट चैप्टर में तो हमने किया था कि जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि हमें रिएक्शन में आके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है, केमिकल चेंज को क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो हमने वहां पे देखा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड लेक्चर हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखा और देखा कि कोई कंपाउंड है हमारा, कोई कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की और ऑक्सीडेशन नंबर का कांसेप्ट किया। क्लियर? अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का कांसेप्ट तो अभी डायरेक्टली यूज नहीं होगा, बट हाँ, अब जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो हमने सीखा है उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। क्लियर? ओके, तो देखो, हमने केमिकल चेंज किया और हमने देखा कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है। क्लियर? सो आज देखेंगे जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल, हमारे चैप्टर का नाम क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। क्लियर? ओके, केमिकल रिएक्शन। क्लियर? देखो, हमने वहां पे किया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में। क्लियर? क्या होगा वहां पे, अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और उसमें क्या हो रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, तो वो क्या होता था हमारा, केमिकल चेंज होता था। क्लियर? अब देखो, जो केमिकल चेंज हुआ है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा केमिकल चेंज हुआ है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल चेंज, इज नोन एज केमिकल चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। एंड द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्लियर? जो भी हमारा केमिकल चेंज होगा उसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा है जहां पे चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है, तो उसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, कोई बच्चे एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से कि हमारे पास है कार्बन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्लियर? ओके, अब देखो, हम इनिशियल में क्या लेके चले थे, वैसे तो देखो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। कैसे, इनिशियल हमने क्या लिया था, कार्बन लिया था, अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो सब्सटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया और ये क्या होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा। इसी प्रोसेस को जो हमने सारा कुछ किया ना, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली ना, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। पूरे प्रोसेस के अंदर ही आएगा ये, हमारा केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? ओके, अब देखो, इनिशियल हम क्या लेके चले थे, इनिशियल हमने क्या लिया था, कार्बन लिया था और साथ में ऑक्सीजन लिया था, बना क्या, क्या बना, CO2 बना। क्लियर? तो यहां पर दो टर्म और आएंगी, वो आएंगी हमारे रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, देखो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है हमारा कार्बन, जैसे यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, जो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन क्या है, यहां पे रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसको हम इनिशियल लेके चले हैं, जिसको हम इनिशियली में लेके चले हैं। क्लियर? जो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्लियर? और जो बना है आफ्टर द केमिकल चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे
प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सो रिएक्टेंट क्या होगा, द सब्सटेंस, सब्सटेंस विच विच आर टेकन इनिशियली, द सब्सटेंस विच आर टेकन इनिशियली, उसको हम क्या बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे, क्लियर। तो जो भी सब्सटेंस हमारा नया जो हम लेके चलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे, और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस हमारे केमिकल चेंज करने के बाद बनेगा, जो सब्सटेंस हमारा केमिकल चेंज करने के बाद बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे, क्लियर। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, which are formed in chemical reaction, the substance which are formed in chemical reaction, उसको हम क्या बोलेंगे product बोलेंगे, clear। so यहाँ पे एक तो हमारी term आई है chemical reaction क्या होता है, जो भी हमने chemical change किया, chemical change के process को हम क्या बोलते हैं chemical reaction बोलते हैं, clear। दो term हो रहा है reactant और product, reactant क्या होता है जो हम initial में लेके चलेंगे, जो हमारा starting है, जो हम लेके चले इनिशियल में, ठीक है, वो क्या होगा हमारा रिएक्टेंट होगा, और जो बनेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो हमारा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे, क्लियर। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है रिएक्टेंट है, कार्बन ऑक्सीजन ये क्या है, अभी हम सोचना कि सिर्फ सर कार्बन ही रिएक्टेंट है, नहीं ऑक्सीजन भी तो रिएक्टेंट है, जो एरो की तरफ लिखोगा वो क्या होगा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो जो हम इनिशियल लेके चले इसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, बना क्या प्रोडक्ट बना, तो ये क्या होगा हमारा प्रोडक्ट होगा, क्लियर। तो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट क्या होता है प्रोडक्ट क्या। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारी केमिकल रिएक्शन उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, characteristics of chemical reaction, clear। देखो जब हमने chemical change किया था, chemical change में हमने देखा था कि chemical change क्या होगा, जहाँ पर chemical properties में क्या आएगा change आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे chemical change बोलेंगे, clear। अब देखो वहाँ पर हमने chemical properties कितनी की थी, chemical properties हमने की थी, उसमें क्या होगा evolution of gas, evolution of gas, फिर हमने देखा था कि formation of precipitate, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिर क्या था चेंज इन कलर, फिर क्या था चेंज इन टेम्परेचर, और फिर क्या था हमने चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक। तो यही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और यही क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, क्लियर। तो हम यहाँ पर पांच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन की। वहां पे जस्ट हमने लिखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, और इनके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्लियर। सो हमें पांच कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है evolution कैसे लेके चेंज इन स्टेट में, क्लियर। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं evolution of गैस की। evolution of गैस, देखो evolution of गैस का मतलब क्या है, evolution of गैस का मतलब है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी अगर क्या हो केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर कोई गैस वहां से क्या हो जाए इवोल्व आउट हो जाए, वहां से रिलीज हो जाए, वहां से हमारी जो रिएक्शन है हमारा जो बिगर है वहां से वो बाहर निकल जाए, क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलेंगे। कोई रिएक्शन हो, रिएक्शन होने से क्या हुआ कोई गैस बाहर निकल गई है, क्लियर। तो जो कई रिएक्शन होते हैं कई रिएक्शन के अंदर क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, क्लियर। ओके अब देखो मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है क्या कि अगर आप जिंक लो, अगर आप क्या लो जिंक लो, जिंक ग्रैनुल्स लो, ठीक है, अगर आप जिंक को किसी डाइल्यूट एसिड में ऐड करते हो, जिंक को अगर किसी एसिड में ऐड करते हो, वो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है और हमारा
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने जिंक लिया, जिंक को क्या किया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया, उसको ऐड किया, ठीक है। जिंक लिया हमने, जिंक ग्रैनुल्स लिए हमने, उसको हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया, ऐड किया। अब देखो जैसे हमने इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करने से क्या होगा, यहां पर एक कंपाउंड बनेगा दैट इज जिंक सल्फेट। जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा ये ZnSO4, क्या बनाएगा ये जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो ये जिंक चला गया SO4 के साथ, ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया, और यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक एरो लिखा, अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन में से अगर कोई गैस बाहर निकलती है, मतलब वो रिएक्शन था जैसे हमारा बीकर था, हमारा क्या था, इनिशियल बीकर था, हमने इसके अंदर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड था, इसके अंदर क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है। हमने इसके अंदर जिंक डाला, जिंक डालने से क्या हुआ, रिएक्शन रिएक्शन होने से क्या हुआ, यहाँ जो H2 गैस है ना, H2 गैस बाहर निकल गई, तो हमने इसको अपवर्ड एरो से बताया। अपवर्ड मतलब वो रिएक्शन में से हमारे बीकर में से चली गई है, ठीक है, कहाँ चली गई, एटमोस्फेयर में चली गई है वो, तो यहाँ से H2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, क्लियर, ओके। अब जैसे H2 गैस बाहर निकलती है, होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है, बीकर जो बीकर होता है हमारा बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, यहाँ से H2 गैस बाहर निकली है, तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, क्या हुआ, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जांपल है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में से हमारी हुई गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई है, क्लियर। तो एक एग्जांपल तो ये रहा, एक और कर लेते हैं, जैसे हमारे पास बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए सारे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होंगे। मैंने बताया ना कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, और बाइकार्बोनेट ऐसे लगा दो तो क्या आइटम आ जाएगी, बाइकार्बोनेट आ जाएगा, ये कार्बोनेट, दिस इज बाइकार्बोनेट। तो कोई भी बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं मैं आपको, जो भी रिएक्शन हम लिख रहे हैं, रिएक्शन के नीचे उनका नाम जरूर लिखना है, ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या बन गया, जिंक। देखा SO4 नेगेटिव मैंने क्या होता है, वो सल्फेट, सो बहुत ज्यादा यूज होगा जो आपका लास्ट सेक्शन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्लियर, ओके। ये कार्बोनेट है, ये क्या है, बाई कार्बोनेट है। अब देखो मेरे को लेना है सोडियम बाई कार्बोनेट, मेरे को क्या लेना है, सोडियम बाई कार्बोनेट, मेरे को क्या लेना, सोडियम बाई कार्बोनेट लेना। देखो सोडियम के ऊपर हमने क्या, सोडियम के ऊपर क्या होता है, एक चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर क्या होता है, एक चार्ज होता है, बाई कार्बोनेट के ऊपर भी क्या है, एक चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव है, सो HCO3 इसके ऊपर एक नेगेटिव, तो इसका वन यहाँ, इसका वन यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम सोडियम बाई कार्बोनेट को, अगर हम सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करें, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यहां से सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। देखो अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ फटाफट क्या होगा, देखो सोडियम क्या है, Na पॉजिटिव, और कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसके आगे यहां पर और यहां पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2CO3, Na2CO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा वाटर, ठीक है, और साथ में मिलेगी यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यहां पे 2 आ जाएगा, बैलेंसिंग में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ओके। सो मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, उसी का ही कार्बोनेट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा, साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन में से बाहर चली जाएगी,
तो ये एग्जांपल भी किसका हुआ, एग्जांपल भी किसका हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हुआ, क्लियर। सो कई रिएक्शंस क्या होते हैं, कई रिएक्शंस के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, कई रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, क्लियर। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, क्लियर। सो ये थे इवोल्यूशन ऑफ गैस के हम दो एग्जांपल किए। सो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है हमारा इनसोल्यूबल कंपाउंड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसको हम पीपीटी भी बोलते हैं, पीपीटी। इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट है। देखो होता क्या है कि इनसोल्यूबल कंपाउंड कोई भी अगर देखो, एक तो सोल्यूबल, एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब जो सोल्यूबल हो जाएगा, और इनसोल्यूबल जो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो इनसोल्यूबल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। लेट्स से कि होता क्या है कि कई बार जो रिएक्शन हमारी जब होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक हमें सॉलिड कंपाउंड मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है, सॉलिड कंपाउंड मिल जाता है। उसी सॉलिड कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उसी सॉलिड कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। देखो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि लेट्स से कि हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास क्या है, एक बीकर है। तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है, मतलब ये सॉल्यूशन है, ये हमने सेकंड लिया, ये भी क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। दोनों का आपस में क्या केमिक्स किया, दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद क्या होगा, देखो जैसे मैंने दोनों को आपस में, ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड है, जैसे दोनों को आपस में मिक्स किया हमें कुछ ना सॉलिड मिल गया। दोनों को जब हमने आपस में मिक्स किया क्या मिल गया हमें, सॉलिड मिल गया, और साथ में थोड़ा सा लिक्विड है ऊपर। इसी सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इसी सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। इसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, क्लियर। तो दो हमने लिक्विड सब्सटेंस के, दो लिक्विड को एड मिक्स करने के बाद हमें कुछ सॉलिड मिल गया रिएक्शन के अंदर। तो वो जो हमें सॉलिड मिला, सॉलिड का मतलब क्या है कि वो सॉल्युबल नहीं है, वो उसमें मिक्स नहीं होगा। अगर वो उसमें मिक्स नहीं होगा तो वही क्या होगा, हमारा प्रेसिपिटेट होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, क्लियर। तो यही हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। अब देखो जैसे मैं एग्जाम्पल हूं, अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। देखो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, हमें पता है कि सिल्वर एजी के ऊपर पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। नाइट्रेट तो हमने किया, एजी नहीं किया, लिख लेना है भी, एजी के ऊपर पॉजिटिव है, नाइट्रेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो इसके ऊपर इसके ऊपर हम क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एजी एनओ थ्री, क्या बनेगा, एजी एनओ थ्री। AgNO3 के अंदर अगर हम NaCl ऐड करेंगे, AgNO3 के अंदर क्या करेंगे, NaCl, जैसे सोडियम, ये तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला करता है NaCl। अब जैसे हम इसको दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या होगा, यहां पे बनेगा सिल्वर क्लोराइड, यहां पे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, AgCl। देखो सिल्वर क्लोराइड हमें पता है एजी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, और सीएल के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो ये भी वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AgCl। अब देखो जो AgCl होता है ना, AgCl एक तरह से हमारा सॉलिड बन गया, AgCl हमारा प्रेसिपिटेट बन गया, वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर AgCl हमारा सॉलिड बन गया, और वैसे से कलर क्या होता है, कलर होता है इसका हमारा सिल्वर वाइट। देखो एक होता है मिल्की वाइट नहीं, सिल्वर वाइट है ये, ठीक है, जो सिल्वर कलर होता है वो है AgCl। और इसको हम दिखाएंगे ऐसे डाउनवर्ड एरो से, इसको हम पीछे दिखाएंगे ऐसे डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। देखो जब हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई थी तो उसके केस में क्या था, हम दिखा देंगे गैस बन के चली गई, अब प्रेसिपिटेट बना मतलब वो नीचे बैठ गए, तो हम उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे, तो पीछे दिखाएंगे डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3, ऐसे लगा सकते हो आपकी जो Ag है, AgCl के साथ चला गया, और Na के साथ आएगा, फिर NO3 के साथ आएगा,
जो AgM के साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, AgCl और NaNO3, क्या बोलेंगे क्या नाम होगा इसका, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, क्या नाम होगा इसका, सोडियम नाइट्रेट होगा, क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। एक एग्जांपल और करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल हमारा बेरियम क्लोराइड, क्या नाम है उसका, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है इसका, बेरियम क्लोराइड का देखो, बेरियम का हमें पता है कि बेरियम कहां था, ग्रुप 2 में था, तो 2 पॉजिटिव, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, यहां पे 2 यहां पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaCl2। जब कभी हम बेरियम क्लोराइड के अंदर हम उसके अंदर सोडियम सल्फेट ऐड करेंगे, सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम का फॉर्मूला क्या है, सोडियम का Na पॉजिटिव और सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, यहां पर 1 यहां पर 2, Na2SO4, क्या फॉर्मूला होगा इसका, Na2SO4, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, अब जब भी हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को ऐड करेंगे तो यहां से बनेगा हमारा एक बेरियम सल्फेट, यहां पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। अब देखो बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, बेरियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव, दोनों के ऊपर 2 2 है, तो 2 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, BaSO4 BaSO4 आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट भी क्या बनता है, सॉलिड बनता है, जो इनसॉल्युबल होता है, जो उसमें सॉल्युबल नहीं होता, तो इसको हम दिखाएंगे डाउनवर्ड एरो से। ये किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ये मिल्की व्हाइट होता है, हम व्हाइट की बात करें, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा यहां से, NaCl, इसमें भी ऐसे लगा सकते हो, जो B है वो SO4 के साथ गया और Na के साथ आएगा, Cl के साथ आएगा, ठीक है, तो NaCl बन जाएगा वहां से, सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्लियर। तो ये है हमारे जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम PPT भी लिखते हैं, PPT, PPT का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बन गया वहां पे, क्लियर। हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, क्लियर। अब देखो कलर का मतलब क्या है, एक अलग कोई सब्सटेंस है हमारा, सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया। हमने केमिकल चेंज के अंदर एक रस्टिंग ऑफ आयन किया था, जब आयन को क्या धरस लगते हैं, क्लियर, तो उसको क्या था हमारा, हमें पता है कि अगर कोई आयन है और आयन को रस लगेगा उसका कोरोजन होगा, तो हमारे लिए दो कंडीशन बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, क्लियर। तो साथ में एक तो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी O2 और साथ में क्या होगा, पानी होगा, मॉइस्चर मतलब क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। तो ये आयरन है, क्या है, आयरन, आयरन का कलर कैसा होता है, आयरन का कलर होता है ग्रे, ठीक है। अब जैसे ही हमें पता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, स्लो प्रोसेस है, वो क्या है हमारा, स्लो प्रोसेस है, तो टाइम लेगा में, ठीक है। तो जैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, हमारा कोरोजन आयरन को, आयरन जो हमारा है वो क्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता है वहां पे, वो बनता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो देखो Fe2O3 का मैंने नाम बताया था, वो क्या होता है, एक तो था हमारा फेरस ऑक्साइड, एक होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, हाइड्रेट किसके लिए, वाटर के लिए है, और यही क्या है हमारा, रस्ट है ये, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है हमारा ब्राउनिश, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर क्या होता है हमारा, ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो ग्रे कलर है, ग्रे कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा ग्रे कलर है, ग्रे कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब चेंज इन कलर हुआ, और ये क्या है हमारा केमिकल, क्या है, केमिकल चेंज है, तो केमिकल रिएक्शन है ये, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो, ग्रे कलर हमारा ब्राउन कलर में चेंज हो गया, और जो एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो ये भी क्या होगी हमारी चेंज इन कलर की, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। ओके नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्थ वन, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज इन टेम्परेचर। देखो होता है कि जो कई रिएक्शंस है, कई रिएक्शंस में हमारा जो टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर। अब देखो टेम्परेचर हमारा दो तरह से चेंज हो सकता है। एक तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो सकता है, एक टेम्परेचर क्या हो सकता है हमारा डिक्रीज हो सकता है। एक टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर क्या हो सकता है कम हो सकता है। तो दो तरह से टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारा चेंज हो जाता है। क्लियर। ओके अब होता है क्या कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर में हम दो टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। चेंज इन टेम्परेचर में हम क्या करेंगे, दो टाइप की रिएक्शन को स्टडी करेंगे। एक तो होगी हमारी एक्सोथर्मिक और एक क्या होगी हमारी एंडोथर्मिक। एक तो हमारी एक्सोथर्मिक, एक क्या होगी हमारी एंडोथर्मिक होगी। ठीक है। अब देखो मैंने वही बताया कि टेम्परेचर दो तरह से चेंज हो सकता है। एक तो जैसे हम नॉर्मल खड़े हैं, नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर है, एक उससे बढ़ भी सकता है, एक उससे कम भी हो सकता है, एक उससे इंक्रीज भी हो सकता है, उससे डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर। ओके तो उसी के वजह से हम दो टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं। एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अब एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। अब लेट्स से कि जो है मैंने एग्जांपल लिया था, पहले मैं एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा था कि जो हम जिंक को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे, जिंक को किस में ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा, यहां से जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में क्या होगी, H2 गैस बाहर निकलेगी। यह भी क्या बने, हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर एग्जांपल। ठीक है। और साथ में क्या होता है, साथ में इसके अंदर हीट भी निकलती है। साथ में क्या होता है, इसके अंदर हीट भी निकलती है। क्लियर। तो ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। देखो होता क्या है, अगर हमारी हीट निकल रही है, अगर हमारी हीट प्रोडक्ट की साइड है, तो वो रिएक्शन होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो जिस रिएक्शन के अंदर जो हमारी हीट रिलीज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जहां पर हीट हमें देनी पड़े, जहां पर हीट हमें देनी पड़ रही है रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर समझ आ गया। जहां पे हीट रिलीज हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट हम दे रहे हैं दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो दो टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर में, वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, जहां पर हीट रिलीज हो रही है, जहां पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया, तो हीट निकल गई ना यहाँ से, रिएक्शन में से बाहर चली गई, तो ये क्या हुई हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। क्लियर। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज और इवोल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। एक एग्जांपल और है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप वाटर ऐड करो, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या ऐड करो, वाटर ऐड करो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप बना सकते हो, कैल्शियम ऊपर कितना होता है, 2 पॉजिटिव और ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव, सो 2 ये 1 क्या जाएगा, CaO क्या बन गए, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा चूना। जैसे घर में अब तो आजकल तो खैर पेंट वगैरह करते हैं, पहले क्या होता है, पहले घरों के अंदर नॉर्मल हम चूना लेके आते थे और उसको अपने वॉल्स के ऊपर करते थे। ठीक है। तो वो उसको हम नॉर्मल हिंदी में कली भी बोलते हैं। ठीक है, चूना बोलते हैं। जो वो चूना होता है, अगर उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, या अपने पेरेंट्स से पूछ भी सकते हो, कई बच्चों के घर नहीं पता होगा, अगर जो हम चूना लेके आते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक रात पहले हम उसके अंदर पानी डाल के रख देते हैं, ताकि जैसे हमने नेक्स्ट डे अगर हमें 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 वॉल्स के ऊपर करना है उसको, तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम एक रात पहले क्या करेंगे, एक रात पहले उसके अंदर पानी डाल के रख देंगे उसमें। ठीक है। तो जैसे हम उसके अंदर पानी डालते हैं, जैसे हम उसके अंदर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, उसमें बबल्स बनते हैं, उसमें बबल्स ये आप देख भी सकते हो। अब चूना लगा के उसके अंदर पानी डालो, पानी डाले में उसमें बबल्स निकलेंगे, उसमें हीट निकलती है। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जैसे हम वाटर ऐड करेंगे, तो फॉर्मेशन होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो कैल्शियम के ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो यहां पे 2, यहां पे 1, CaOH2 क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। और साथ में क्या होता है, साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होते हैं, हीट निकलती है बाहर। आप देखो उसमें बबल्स निकलेंगे तो गर्म हो जाएगा जो हमारा पूरा कंटेनर है, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है वहां से, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे हम देखेंगे इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक में क्या आता है, हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में क्या होगा, हमें हीट देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड to proceed chemical reaction, clear? Endothermic reaction वो reaction होगी जहाँ पे heat हमें देनी पड़े reaction को start करने के लिए। ऐसे reaction start नहीं होगी जब तक हम उसको heat नहीं देंगे। अगर हमने उसको heat दिया तो reaction क्या होगी, वो हमारी endothermic reaction होगी, clear? तो समझ आ गया, exothermic और endothermic। exothermic में heat release हो रही है, endothermic में heat हम दे रहे हैं, clear? तो इसके example बहुत ज़्यादा important है। ऐसे एंडोथर्मिक में पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक के अंदर जैसे हमारा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फॉर्मूला बना सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, अगर हम क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने में क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने में हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्लियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक हम हीट नहीं देंगे तब तक हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। जैसे हमने इसको हीट दी, जैसे हमने इसको क्या किया, हीट दी, हमने इसको बर्नर के ऊपर रखा, तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो ये रिएक्शन क्या हुई हमारी, ये रिएक्शन हुई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमें हीट दी है, हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हीट दी है खुद से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक, समझ आ गया। टेम्परेचर के बेस पे, हीट के बेस पे हम दो तरह की रिएक्शन को पढ़ते हैं, वन इज एक्सोथर्मिक एंड वन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जहां पे हीट रिलीज हो, एंडोथर्मिक जहां पर हम हीट दें रिएक्शन को स्टार्ट करने। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारी चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट है हमारी चेंज इन स्टेट, मतलब अगर हमारी स्टेट ही चेंज है, स्टेट का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है तो वो क्या बन जाए, गैसेस स्टेट में चल जाए। अगर हमारी स्टेट ही चेंज जाए तो वो भी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, अगर हम अमोनिया ले, अमोनिया तो अमोनिया गैस होती है, फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। और साथ में हम देखो क्या है, ये गैस है, डायग्राम में मैं जी लिख रहा हूँ, जी का मतलब क्या है, गैसीय स्टेट में है, ठीक है। और साथ में मैं क्या लूं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा मेरे को ये बताओ कि जो HCl है गैस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये HCl है गैसीय फॉर्म में होता है या फिर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कोई बच्चे बोलेंगे सर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, नहीं एक्चुअल में गैसीय फॉर्म में होता है। जैसे आप लैब में जाते हो, लैब में क्या देखते हो, लैब में तो आप HCl का सोल्यूशन देखते हो, HCl होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। होता क्या है कि जो HCl है एक्चुअल में गैस होती है, HCl एक्चुअल में क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। उस गैस को क्या करते हैं, वाटर में से पास कराते हैं, उस गैस को क्या करते हैं, वाटर में से पास कराते हैं, और जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में आ जाते हैं, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में आ जाते हैं। तो जैसे हम HCl को वाटर में से पास कराएंगे, वाटर में से पास कराने के बाद क्या होगा, वो HCl सॉल्यूशन बन जाएगा। HCl क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर HCl को गैस लिख रहे हो तो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर HCl को आप लिक्विड फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, दोनों के नाम में भी फर्क है। देखो मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, मैंने HCl को गैस स्टेट में लेके चला, ठीक है।
ठीक है। तो अगर उसको गैसीय स्टेट में लिख रहे हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर उसको लिक्विड स्टेट में लिख रहे हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया है, ठीक है ओके। अब जैसे NH3 है और HCl है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब देखो अमोनियम क्लोराइड मैंने बता रखा है कि अमोनियम क्या होता है, अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव और क्लोराइड का मतलब क्या है Cl नेगेटिव, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा NH4Cl, NH4Cl। अब अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये सॉलिड होता है और ये आपने 9th में क्या होगा किया भी होगा कि ये सब्लिमेशन शो करता है, अमोनियम क्लोराइड होता है वो सब्लिमेशन शो करता है, सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट हमारा सॉलिड से कहां जाएगा वो गैसेस स्टेट के अंदर जाएगा, क्लियर। देखो अमोनिया गैस थी, HCl भी गैस, दोनों गैस लिए, गैस लेने के बाद क्या बन गया NH4Cl, क्या बन गया ये सॉलिड बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया स्टेट में चेंज आ गया, गैस ले बाद में क्या बन गया सॉलिड बन गया, तो जो हमारा गैसीय सब्सटेंस है वो सॉलिड सब्सटेंस में क्या हो गया वो कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ ये भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी केमिकल रिएक्शन की। इसमें एग्जांपल और कर सकते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन हम कहते हैं कार्बन किस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म होगा, जैसे कार्बन को बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये क्या है ये हमारी गैस है, कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड किस में बन गया गैसीय स्टेट में चला गया, तो ये भी क्या हुआ हमारे स्टेट में चेंज हो गया, तो ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, क्लियर। बाकी ये एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन ही हमें नॉर्मल पता है कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड कार्बन लेंगे ऑब्वियसली, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करोगे बर्न करोगे, बर्न करने में क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें, ये भी क्या हुआ हमारा, ये हमारा चेंज इन स्टेट हुई है, ठीक। तो ये हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं केमिकल रिएक्शन की, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, ठीक। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब आपको क्या करना है, आपको लिंक में क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक में क्या होगा वहाँ पे DPP होगी, ठीक है, आपने उस DPP को सोल्व करना है। नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, DPP का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने DPP सोल्व करो, अच्छे से सोल्व करो उसको, उस पर टाइम लगाओ, उसको सर्च आउट करो, अपने आप सोल्व करो, ठीक है। बाद में क्या करना आपने उसके जो हमारे सोल्यूशन DPP का उसकी वीडियो देखनी है आपने, और फिर अपने आंसर मैच करने हैं, और फिर आपने कमेंट भी करना है कि आउट ऑफ आपके कितने आंसर ठीक थे, क्लियर।